चल रहा है जिसके अंतर्गत जो शेड्यूल निर्धारित है उसके लिए हम लोगों ने बुलवाया था, जिसमें लोगों को नाम नए नाम को जोड़ना है, नए जो डुप्लीकेसी नाम है उसे हटाना है, या फिर किसी को स्थानांतरण करना है, नाम में परिवर्तन करना है, वो तो प्रॉपर पत्र में अपने फॉर्म भरेंगे और उसका नाम में संशोधन या नए नाम को ऐड किया जाएगा। नई प्रक्रिया जो 17 साल प्लस वाले हैं उनके लिए 4 कट ऑफ डेट है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसका एज जब 18 साल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसकी नाम ऐड हो जाएगी, उसके संबंध में बताया गया। प्लस हम लोगों का जो स्पेशल कैंप लगना है, वो कैंप लगेगी जिसमें सभी बूथ लेवल पे जहाँ पे लोग अपना जो वोटर लिस्ट का नाम नहीं है या नाम जुड़वाना है या नाम कटवाना है या फिर नाम में संशोधन करनी है तो वो करेंगे, इनकी जानकारी देनी थी। या बहुत सारे ऐसे वोटर लिस्ट में नाम है डुप्लीकेसी है, लोग यहाँ रहते नहीं है, यहाँ का वासी भी नहीं है लेकिन फिर भी डुप्लीकेसी से नाम जुड़वा लिया है, तो इसी सूचना ताकि उस पर भी हम लोग सुधार कर सकें। साथ ही साथ वैसा नाम भी इसका नाम छूट गया है तो जागरूकता करेंगे और जागरूकता करके उसी लोगों का नाम देंगे तो हम उस नाम को ऐड भी करेंगे। इसके लिए प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, स्वीप कार्यक्रम भी है, उसमें भी हम लोग कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कॉलेज लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ हम लोगों की समीक्षा में एक कार्यक्रम होगी जो अवेयरनेस का कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ हम लोग एक मैराथन की प्रोग्राम भी रख रहे हैं, फ्लैक्सी की प्रयोग कर रहे हैं, एक हम लोग एक रथ भी निकाल रहे हैं जिससे कि लोगों में जानकारी हो कि ये कार्यक्रम चल रही है और अपना नाम हमको जुड़वाना है, हमको एक नागरिक प्रॉपर नागरिक के तौर पर स्थापित होनी है, या अगर कोई गलत है तो वो नाम हमको कटवाना है, या हमारे नाम कहीं गलत चढ़ गया है तो वो भी हटवाना है, या नाम में किसी तरह का टाइटल में गड़बड़ी हो गई, नाम में गड़बड़ी हो गई, बूथ नंबर में गड़बड़ी हो गई, ये हमें सुधार करवानी है। इन सब कार्यों में जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं इनकी अहम भूमिका होती है, इसको फील्ड में अपनी पकड़ होती है, इनकी सहभागिता जरूरी है। इसीलिए हम लोगों ने सबों के साथ एक बैठक की है, लोगों ने अपना रिस्पांस दिए हैं, उम्मीद करते हैं सबका सहयोग मिलेगा और हमारा वोटर लिस्ट जितना अच्छा है वो और बेहतर होगा, इसलिए हम लोगों ने आज बैठक की।